जय श्री राम बंधु, आपके अपने हिंदू रिचुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी को सूर्य सप्तमी और विशेष करके अचला सप्तमी, कई जगह अर्घ सप्तमी नाम से जो व्रत जाना जाता है, उसी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, माघ महीने में बड़ी ठंडी होती है, तो माघ महीने का बड़ा महत्व है, पर जो कोई हमारी माताएं बहनें बेटियां स्नान नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बड़ी शक्तिशाली होती हैं पर आम रूप से देखने में बड़ी सुकुमार होती हैं, वो तो उनको भी वो पुण्य कैसे प्राप्त हो जो आम तौर पे पूरे महीने में जो लोग व्रत करते हैं, नियम पूर्वक जो है स्नान करते हैं, उनको प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि भविष्य पुराण में एक इसका व्याख्यान है, मुख्य रूप से वो मैं आपको बताता हूँ कि माघ महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी, बसंत पंचमी के दो दिन बाद वाली सप्तमी को जो व्रत करेगा, नियम से सूर्य भगवान की सेवा करेगा, उसको वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो फल की प्राप्ति जो है पूरे माघ महीने में स्नान करने से व्रती लोगों को प्राप्त होती है। कैसे व्रत करना चाहिए कि व्रत का यही है कि एक दिन पहले षष्ठी को, एक दिन पहले सप्तमी के दिन पहले एक समय भोजन करें, सूर्यास्त के पहले भोजन करें और जो है लहसुन प्याज इत्यादि का जो है सेवन ना करें। सप्तमी को प्रातः सूर्योदय के पहले जितना जल्दी हो सके ब्रह्म बेला में पवित्र तीर्थों में जाएं, नदियों में जाएं अथवा तालाब इत्यादि जलाशय में जाएं, जाकर के पहले प्रणाम करके, इसके बारे में किसी भी तीर्थ में स्नान हम कैसे करें आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, तीर्थ में स्नान कैसे करें, तो जाकर प्रणाम करके स्नान करके वापस आएं और लाल कपड़ा लाल वस्त्र धारण करें, लाल संभव तो सफ़ेद वस्त्र धारण कर लें। इसके पश्चात में जो है अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं संध्या कर लें, संध्या कर लें, अगर आम तौर पे आम लोग हैं तो कोई बात नहीं, वस्त्र धारण करने के पश्चात में एक सोना अथवा चांदी अथवा पीतल अथवा जो है तांबे के बर्तन में फूल से सजा करके उसके मध्य में एक तांबे के अथवा नहीं हुआ तो मिट्टी के पात्र में, हल्के पात्र में दिया जला करके, और वो बत्ती कैसी होनी चाहिए, रुई की बत्ती हो, पर उसको कुमकुम से अथवा रोली से उसको हल्का कलर कर दीजिए और तिल के तेल का जला करके अपने सिर के ऊपर में रख करके पूरब मुख की ओर करके और इन मंत्रों का पाठ कम से कम करना चाहिए। मंत्र ये है, नमस्ते रुद्र रूपाय रसानां पतये नमः, वरुणाय नमस्ते स्तु हरिवास नमोस्तुते, यावत् जन्म कृतं पापं मया जन्मसु सप्तसु, तन्मे रोगं च शोकं च मा करे हन्तु सप्तमी, जननी सर्वभूतानां सप्तमी सप्त सप्तिके सर्वव्याधि हरे देवी नमस्ते रविमंडले। इन मंत्रों से पाठ करना चाहिए अथवा आप यूट्यूब को भी खोल करके इन मंत्रों का आप पाठ कर सकते हैं। अगर ये मंत्र आपको नहीं आता है तो ओम रांग रिंग रोंग सह सूर्याय नमः अथवा घृणी सूर्याय नमः, अगर ये भी ना याद हो पाए तो ओम सूर्याय नमः कम से कम 4 से 5 मिनट जो है पूरब की ओर मुख करके दिया को सिर पे रख करके पाठ करना चाहिए। पाठ करने के पश्चात में फिर जो है हमें विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन कैसे करें आइए हम आपको बताते हैं। बंधुओं, वो दीप जो है का प्रार्थना करने के पश्चात उस दिए को जो है जल में धीरे से प्रवाहित कर देना चाहिए। उसके पश्चात सरोवर किनारे बैठ के आसन बिछा करके, जैसे मैं बार बार कहता हूँ अपने से ऊंचा स्थान होना चाहिए, अगर आप दूर गए हैं तो वहाँ और चीज़ की दिक्कत हो सकती है, तो एक थाली में ही ऐसे चावल रख करके इसमें अष्टदल बनाए, बीच में चावल कर दिया, एक पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, फिर ईशान हो गया, अग्नि हो गया, नैऋत्य हो गया, वायव्य हो गया, ये नाम ना भी जानेंगे तो भी चलेगा, ऐसे 8 जो है आपने इसमें स्थान बना दिया। अब इन स्थानों में जो है आपको जो है 8 सुपारी रख दीजिए, जो सबसे बीच में ये होता है, ये जो हो गया शिव जी हो गए, ये पार्वती मैया के नाम का हो गया, शिव जी के लिए हो गया। इसके बाद में जो 8 सूर्य हैं, 8 सूर्य की पूजा होती है अलग अलग नामों से, उनके उनको जो है इन सुपारी के ऊपर में आह्वान करके हम लोग एक साथ में पूजा करेंगे। यहाँ चाहें तो शिव पार्वती की मूर्ति रख सकते हैं अथवा नहीं तो सुपारी के ऊपर भी आवाहन प्रभु का हो जाता है, आवाहन करके इनका जो है स्थापना किया जाता है। और इसके साथ में ही एक अलग कटोरी में या गणेश जी की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए, जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, गणेश जी की पूजा करके, जैसे आप कहेंगे महाराज प्रारंभ कैसे करें, तो दिया जलाइए, आचमन कीजिए, आचमन करने के पश्चात में जो है संकल्प लीजिए कि हे सूर्य नारायण भगवान, हमारे हर तरह के कष्ट को दूर करने वाले आपकी हम
पूजा करने के लिए बैठे हैं और वहाँ पर जो गणेश जी का पूजा करने के पश्चात में हाथ बाएं हाथ में चावल ले लीजिए और दाहिने हाथ से सबसे पहले में जो ऊपर में पूरब में है उनको जो है ओम भानवे नमः भानवे नमः भानुम आवायाम स्थापयामि। इसके बाद में भानु जब हो जाए तो बाद में दूसरे वाले पर रवे नमः रविम आवायाम स्थापयामि। ओम विवस्वाना नमः विवस्वानम आवायाम स्थापयामि। इसके बाद में इनके ऊपर बोल दें ओम भास्कराय नमः भास्करम आवायाम स्थापयामि। इसके बाद में इनका इनके ऊपर अर्पण करें ओम सविताय नमः सविताम आवायाम स्थापयामि। ओम अर्काय नमः अर्कम आवायाम स्थापयामि। ओम सहस्रकिरणाय नमः सहस्रकिरणम आवायाम स्थापयामि। उसके बाद में जो है ओम सविता सूर्य नारायणाय नमः सविता सूर्य नारायणम आवायाम स्थापयामि। ऐसे आवाहन करके फिर से चावल सबके ऊपर पुनः चावल छोड़ दीजिए कि आवायिता देवता प्राणा सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। इसके ऊपर में फिर यहाँ पर जो है ओम शिवाय नमः शिवम आवायाम स्थापयामि। ओम पार्वत्ये नमः पार्वतीम आवायाम स्थापयामि। इनको भी सबको टच करके 15 बार ओम ओम का जाप करके इसके बाद में सबके ऊपर जल छिड़क दीजिए। जल छिड़कने के बाद में सबको जो है कलावा चढ़ा दीजिए, धागा चढ़ाइए और सबको जनेऊ चढ़ाइए। शिव जी को जनेऊ चढ़ाइएगा, पार्वती जी को मत चढ़ाइएगा। शिव जी को बेल पर चढ़ा लीजिए, सबको तुलसी लगाइए, चंदन चढ़ाइए, धूप कीजिए, दीप कीजिए। इसके बाद में इनको भोग लगाइए। भोग लगाने के पश्चात में आचमन कराइए। आचमन कराने के पश्चात में इनको जो है फल चढ़ाइए। फल चढ़ाने के पश्चात में दक्षिणा चढ़ाइए, पान सुपारी चढ़ाइए और प्रदक्षिणा कीजिए, प्रणाम कीजिए और बैठ करके संकीर्तन कीजिए। ओम सूर्याय नमः कम से कम एक माला दो माला जाप कीजिए। जाप करने के पश्चात घर में जाइए और एक समय भोजन अगर आप बगैर भोजन के नहीं रह सकते हैं तो एक समय भोजन सूर्यास्त के पहले बगैर नमक के और एक अन्न चाहे चावल हो चाहे गेहूँ हो वो ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात में जो है अच्छी बात तो ये कि हम जो है फलाहार लेकर के रहे अभी बगैर नमक वाला और इसके बाद में जो है अगले दिन हम पुनः जो है इनको उत्तर पूजन करके और ब्राह्मण को दक्षिणा इत्यादि दे करके इसमें बहुत सारे दान की विधि है आपकी परंपरा में और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार फल जो है फल है अनाज है तिल है ताम्र पत्र में रख करके घी है इसके दान का विशेष महत्व है। ये आपकी जो भी परंपरा चलती हो और आपसे मैं निवेदन करूँगा संभव हो इतना बड़ा आप अनुष्ठान कर रहे हैं अपने आचार्य को बुलाइए अपने कुल पुरोहित को बुलाइए उनके द्वारा संपन्न कराएँ ये बहुत ही उत्तम रहेगा। और अगले दिन पुनः जो है इनका उत्तर पूजन करके दान आदि करके पारण करना चाहिए। इसकी कथा आती है छोटी सी कथा है मगर देश में एक इंद्रमती नाम की वैश्या थी। एक बार वो ऐसे मन में बैठी कि अरे हमारा तो जीवन निकल गया अब हम क्या करें। आदमी जन्म लेता है बड़ा होता है तमाम सारे मोह माया में जकड़ा रहता है और मैं तो एक वैश्या ठहरी हमारा उद्धार कैसे होगा। ऐसा मन में विचार करते करते जो है वशिष्ठ जी के आश्रम में गई और उसमें माघ महीना चल रहा था तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देवी आप विलंब आई हो पूरा माघ महीना स्नान करती तो आपका कल्याण हो जाता। तो देवी बोली तो महाराज काफ़ी दिन निकल गया अब तो अगले साल और जीवन का क्या भरोसा कल ही राम राम हो जाए। तो दो दिन बाद जो है सप्तमी आने वाली थी अचला सप्तमी तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि इंदु अगर बेटा आप जो है ये अचला सप्तमी का व्रत रहोगी तो पूरे माघ महीने में स्नान करने का फल मिलेगा। वो जो है वैश्या इंदुमती नाम की वो अचला सप्तमी का नियम पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जो है जब उसका कई वर्षों पश्चात में स्वर्ग को सिधारी तो वहाँ भगवान के पावन जो है धाम को प्राप्त हुई और वहाँ पे एक विशिष्ट अप्सरा बन करके इंद्र के दरबार में वो आनंद लेने लगी। तो बंधु एक दिन जो जिसने व्रत किया एक बार व्रत किया उसका इतना कल्याण हुआ तो हमारा आपका तो कल्याण निश्चित होगा। हमें आपको भी जो है नियम पूर्वक जो है इस व्रत का पालन करना चाहिए। हमारी सारी कामनाओं की विशेष करके हमारे पुत्र पुत्री संतति सम्मान और हमारा आयु आरोग्यता क्योंकि प्रातः जगने से हमको आरोग्यता आती है। आप सभी पुण्यशाली हैं तो इस तरह से जुड़े रहते हैं पर यह व्रत भी बहुत उत्तम व्रत है इसे आप इस तरह से कर सकते हैं। और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो कोई जिज्ञासा हो निश्चित आप कमेंट में लिखिए मैं प्रयास करूंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है और उन भाई बहनों को धन्यवाद जिन्होंने इस व्रत के लिए मुझसे निवेदन किया था उनका मैं नाम भूल गया हूं तो लेकिन कोई बात नहीं आप समझ जाइए। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा ऐसे आप देखिए और अगर उचित लगे तो आपस में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आपको नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।